केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति व राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नागपुर जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। नागपुर शहर में बुधवार को 23,703 व गुरुवार को 20,035 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। सरकार की ओर से मनपा को कोविशील्ड की वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से मनपा के सभी टीकाकरण केंद्र शुक्रवार को सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए बंद रहेंगे। मनपा के पास बुधवार को 45,000 डोज टीका उपलब्ध थी, इसमें से 43,738 दो दिन में दे दिए गए। सरकार की ओर से गुरुवार को नए डोज नहीं मिले हैं, जिससे शुक्रवार को टीकाकरण नहीं होने की जानकारी मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी है। केवल 3 सरकारी केंद्र डागा अस्पताल, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल व एम्स में शुक्रवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का टीका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल व स्वर्गीय प्रभाकर राव दत्त के रोग निदान केंद्र में उपलब्ध है। साथ ही 18 से 44 आयु वर्ग के जिन नागरिकों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा है, उन्हें दूसरा डोज मेडिकल व स्वर्गीय प्रभाकर राव दत्त के रोग निदान केंद्र में लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पंजीयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।